हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेर टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। उन अपडेटों में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएससी की टीम के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से यह खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर एनएससी की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। अब बड़ा जो बैठक है वह राष्ट्रीय महासचिव जी के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। यह जो तो चारबाग बस स्टैंड पे यह बैठक संपन्न होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर सामने निकल के आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मुख्य समन्वयक हैं श्री राजीव भटनागर जी के माध्यम से यह खबर सामने निकल के आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, हालांकि स्क्रीनशॉट पे पहले मैं आपको दिखा दिया हूं कि यह जो किस पेपर और पत्र के आर्टिकल के माध्यम से लिया गया है, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के न मालूम कितने मीटिंग्स और न मालूम कितने बैठकें संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को अभी तक उनके जो हक है, उन्हें जो बढ़ी हुई पेंशन की राशि है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि एनएससी की टीम के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द, यानी कि भविष्य में बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई मतलब अभी तक ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ की तरफ से या किसी भी संस्था की तरफ से इस बात का क्लेरिफिकेशन किया गया हो कि एक महीना, दो महीना, चार महीना, छः महीने में मिल जाएगा। इसके पहले एक और जो है तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इसके पहले एक और बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें इस बात को बताया गया था कि एक महीना का जो चेतावनी दिया गया था, चेतावनी भरा जो मैसेज था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को दिखाया भी था, उस वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि जहाँ पर एक महीने का चेतावनी भरा संदेश एनएससी की टीम के द्वारा सरकार को दिया गया था, जहाँ पर इस बात को बोला गया था कि अगर एक महीने के अंदर भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई तो दिल्ली में बड़ी आंदोलन करेंगे। बात यह नहीं है कि आप बैठक करना भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैठक करने से जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो हो जाता है, तो बैठक करना भी एक अच्छा चीज़ है। लेकिन ये भी है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के धैर्य को देखते हुए बैठक करें, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन के अंदर से जो भरोसा है एनएससी की टीम के प्रति, जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे, वो भरोसा बना रहे। एनएससी की टीम जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर काम कर रही है, कोई उसमें संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगा। लेकिन कब तक होगा इसका जो मुख्यतः एक रिजल्ट होना चाहिए, एक डेट होना चाहिए, एक तारीख होना चाहिए, वो ईपीएस 95 पेंशनर्स को नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि अभी जो 10 तारीख को होने वाला है, आज के डेट में बैठक होने वाली है, इस बैठक से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट वहाँ से निकल के सामने आएगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 10 तारीख को जो चारबाग बस स्टैंड में बैठक होने वाली, इस बैठक में क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या जो बातें मैं कर रहा हूँ इन बातों पर ही डिसीजन किया जाएगा, क्या कोई डेट सामने निकल के आएगी अथवा नहीं आएगी, इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो में क्या कमेंट आपका है, क्या आपके राय हैं, क्या विचार हैं इस मीटिंग को लेके, इस बैठक को लेके जो लगातार एनएससी की टीम के द्वारा बैठकें की जा रही है, इससे ईपीएस 95 पेंशनर्स का आपका क्या विचार है, आगे भी इसी प्रकार की मीटिंग होनी चाहिए, आपको डेट मिलनी चाहिए एनएससी की टीम के द्वारा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इतने से इतने तारीख तक में पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, इससे संबंधित आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित छोटी या बड़ी जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।